पूछा हुआ है, इसमें हम निकालेंगे मोल्स, ठीक है? तो आपको क्वेश्चन आ गया कोई कि कन्वर्ट इनटू मोल्स, ठीक है? और आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे दिया है कि 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस को आपको कन्वर्ट करना है मोल में, ठीक है? तो आपने कैसे इसको कन्वर्ट करना है फिर? पहले तो इसका आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ग्राम में, ठीक है? और क्योंकि हमें ग्राम में दिया हुआ है यहाँ मास, और नीचे होता है आपका मोलर मास, मोलर मास, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो मास ग्राम में है, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन है, तो हमने यहाँ पर क्या लिख लेना है, 12, ठीक है? उसके बाद मोलर मास निकालना मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, तो एक बार यहाँ पर भी मैं आपको साइड में बता देती हूँ कि आपको मान लो ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस मीन्स O2, ठीक है? O2 का निकालना है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको हम क्या लिखते हैं आगे, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास नंबर। ऑक्सीजन का मास नंबर याद होना चाहिए आपको 16, 16 × 32, तो इसका कितना आ गया 32, ठीक है, मोलर मास। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लेना है 32, ठीक है? अब इसके हम कटिंग करके और इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करो आप। यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2 1 और 2 6। अब 2 3 2 8। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 0 point something ही आएगा, 0.375, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया मोल्स में किसको, 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को। समझ आ गया आपको, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को हमने कन्वर्ट करना है, तो मोल्स ऑफ किस सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मास ग्राम में और मोलर मास, ठीक है? इसी तरीके से आपको क्या हो गया फिर, यहाँ पर आपने मास जो दिया हुआ है 12 यहाँ लिख दिया, उसके बाद मोलर मास आपको निकालना मैंने यहाँ दोबारा से बता दिया, 32 यहाँ लिख दिया, कटिंग करके जो हमारा सॉल्यूशन है ये आ गया। नेक्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा टिपिकल देख लेते हैं, इसको भी हमने कन्वर्ट करना है मोल को, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू मोल्स, ठीक है? अब आपको दे दिया, क्या दे दिया आपको, दे दिया 20 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का पता है आपको क्या होता है फॉर्मूला, H2O, ठीक है? सबसे पहले तो अब हमें मोल निकालना है, तो मोल का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस, मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला, मास अपॉन मोलर मास, ठीक है? अब यहाँ पर मास मैंने आपको बताया था, जो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमारे पास 20 ग्राम, तो हमने यहाँ क्या लिख देना है 20। मोलर मास H2O का, जैसे कि मैंने ऑक्सीजन का बताया था, सेम ऐसी H2O का हमने निकालना है। H2O का मोलर मास निकाल के बता देती हूँ मैं आपको, H2O का मोलर मास निकालने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स हैं नीचे, 2, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के मास नंबर से करना है, तो हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है 1। अगला एलिमेंट लेने से पहले हमने क्या लगा देना है, प्लस, ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसकी मल्टीप्लाई इसके मास नंबर से, मास नंबर कितना होता है 16। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, तो 2 + क्या आ गया 16, टोटल इसका कितना आ गया 18, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 18, ठीक है? अब इसको हम कटिंग कर देते हैं, कटिंग हो जाएगी इसकी, 2 1 0 2 9, आगे हो रही है कटिंग, आगे नहीं हो रही कटिंग, तो अब इसको हम कर देते हैं डिवाइड। डिवाइड करने पे 9 something 1.11 ये आ जाएगा इसका मोल्स, ठीक है? ये हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मान लो आपको दिया है, व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ
फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम का पता करना है, मास पता करना है किसका, 1। अब आपको मोल दिया हुआ है, ठीक है, और मास पता करना है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, 1 मोल का पता करना है, 1 मोल नाइट्रोजन यानी कि ओनली नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का हमको पता ही है एटॉमिक नंबर 7 होता है और मास नंबर कितना होता है 14 ग्राम, बस ये सॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा हम टफ पे जाते हैं, मान लो आपको दे दिया 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ठीक है, मान लो दे दिया 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, ठीक है। अब इसको आपने कैसे निकालना है, आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास कितना होता है, तो सभी को पता है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एटम का मास जो होता है वो कितना होता है 13, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है, इसका 27 मास होता है। अब अगर आपको 4 का निकालना है तो सिंपल आप क्या करोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे 27 की, कितना आ जाएगा आपके पास, आपका आ जाएगा 27 से मल्टीप्लाई करके आई थिंक 108, ठीक है, चेक कर लेना आप, ये हो गया हमारा 4 मोल्स, ठीक है, ये आ गया आपका। अब एक और मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। मान लो आपको दे दिया 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, ठीक है, आपको दे दिया 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड, ठीक है, सोडियम सल्फाइड होता है, ठीक है, सोडियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला पहले बेटा आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला होता है Na2SO3, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सिंपल हमें पहले सबका सिंगल सिंगल पता होना चाहिए, पहले तो हम इनका सबका निकाल लेते हैं मास, एक का तो हमें पता होता है फटाफट फटाफट, लेकिन सबका हम कैसे निकालते हैं पता है आपको, सोडियम के नीचे कितने मॉलिक्यूल हैं 2, तो 2 की मल्टीप्लाई हमने सोडियम के मास नंबर से करनी है, सोडियम का मास नंबर 23। नेक्स्ट प्लस एस सल्फर, सल्फर के नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 मल्टीप्लाई सल्फर का मास नंबर होता है 32। प्लस ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स 3, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 23 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 46, प्लस 32 वन ज़ा 32 और 16 थ्री ज़ा आ गया 48, इनको हमने सभी को क्या कर देना है, प्लस कर देना है, तो प्लस करो, हाँ जी इसको प्लस ये किया तो ये आ गया 126 ग्राम, ठीक है, ये तो आपका कितना आ गया, एक सिंगल 1 का आ गया, हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया 1 मोल्स का, 1 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड का मास। अब आपको किसका निकालना है, आपको निकालना है 10 मोल्स का, तो आपको समझ आ गया होगा, तो कैसे निकालेंगे हम 10 मोल्स का, 10 की मल्टीप्लाई हम किस में कर देंगे 126 में, 126 कितना आ गया 1260 ग्राम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया कि अगर हमारे पास मोल दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है मास, तो कैसे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि मैं आपके जो भी कॉन्सेप्ट हो आप मुझे कमेंट में लिख के दो, तो मैं आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।